और भगवान का ध्यान करते हुए आइए सुंदरमय कथा में प्रवेश करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिमन्नो वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैनाथं। बोले सत्यनारायण स्वामी की एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सोऽङ्कार दया प्रवच्य सर्वेषु तं पौराणिकं खलु वचनेन तपसा किमं प्राप्तये वञ्चित फलं तत्सर्वश्रुतां कथयति महामुनि। एक समय की बात है, नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषियों का एक समूह एकत्रित हुआ। उसी समय श्री सूत जी महाराज जी का आगमन होता है। हमारे पौराणिक धर्म में सनातन धर्म में एक परंपरा है, जब किसी साधु संन्यासी किसी अच्छे योग्य ज्ञानी व्यक्ति का आगमन होता है तो उचित सत्कार किया जाता है। ऋषियों ने उनका उचित सत्कार किया और उनको यथास्थान स्थान दिया और श्री सूत जी महाराज जी से यथा योग्य न्याय संभाषण करके उन्होंने कहा, हे महामुनि, इस महान कलिकाल में मनुष्यों के महान दुख को देखते हुए ऐसा कोई एक साधन बताइए जिसके करने से उनके समस्त रोगों भयों दुखों दारिद्र की समाप्ति हो, कृपया कर आप मुझे बताइए। नारदयनो समकृष्णो भगवान कमलापते सुरेशं यथावाक्यं प्रसन्नं समाहिता एकदा नारदो योगी परमात्मा पर्यटन गुण विविधान लोकान मृत्यु लोक गया ततो दृष्टवान जनान सर्वान नाना।